नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास आज जो है ये ब्लूटूथ बाजा जो है आया हुआ है रिपेयर करके लिए, ठीक है, साउंड जो होता है दोस्तों, ठीक है। तो आज इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, तो डिटेल में बताऊंगा, मतलब इसमें क्या बीमारी आता है, ठीक है, या ब्लूटूथ चाहे या मेमोरी वाला हो दोस्तों, ठीक है, सबका मतलब प्रोसेस सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है डिफर होता है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल कोई एक रिपेयर करके आपको बता देते हैं दोस्तों, और सबके डिटेल के बता देंगे ताकि आपको कोई भी जो है स्पीकर ब्लूटूथ वगैरह जो है ठीक करने में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कोई एक साउंड को रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो ये ब्लूटूथ है दोस्तों, इसको ही रिपेयर करते। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इसमें कंडीशन क्या है, इसमें प्रॉब्लम दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सब इस समय ऐसा कुछ बीमारी आता नहीं है, ठीक है, ब्लूटूथ हो या वायर वाला हो, ठीक है, कोर्ड से जो बसता है, या मेमोरी वाला हो, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा किसी में कुछ ऐसा डिफर होता नहीं है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों किट जो है बाहर निकाल लिया है मैंने, ठीक है दोस्तों। और ये सब में सबसे पहला बेसिकली आप बात सुन लीजिए, ठीक है, ये हो या ये कोड वाला हो, ठीक है दोस्तों, या मेमोरी वाला हो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अधिकतर तो दोस्तों मतलब 100 में 90% जो है ना दोस्तों, हम देखे हैं कि मतलब चार्जिंग पिन और ये कोड, ठीक है दोस्तों, ये चार्जिंग पिन और कोड का ही प्रॉब्लम होता है, और बस भाई ये स्विच का, ठीक है, छोड़े पकड़ेगा तो उसमें आप जो है मतलब ऑयल जो है डाल दीजिएगा, ठीक है, पेट्रोल वगैरह तो ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, स्विच वगैरह जो रहता है, ठीक है, आईसी वगैरह का ऐसा कुछ प्रॉब्लम जल्दी आता नहीं है दोस्तों, रेयर केस में आता है, ठीक है। अगर आए भी दोस्तों तो खराब किट या मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों, या खराब किट जैसे ये है किट खराब वाला, ठीक है दोस्तों, तो इसका आईसी खोल के आप आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, और इसमें बीमारी क्या है दोस्तों कि देखिए, एक तो ये स्विच जो है दोस्तों खराब है, ठीक है दोस्तों, और इसका चार्जिंग पिन खराब है दोस्तों, ठीक है, स्विच और चार्जिंग पिन दोनों खराब है, तो दोनों को चेंज करते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर देखते हैं कि ये बसता है कि नहीं, और ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ठीक है, बस यही चार्जिंग पिन का प्रॉब्लम आता है, स्विच का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और इसका प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है। स्पीकर सब भी बहुत कम खराब होता है, हाँ होगा, फटने लगेगा आवाज़, तो आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ईजीवे में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये आईसी जो है आपका मेमोरी को कवर करता है, मेमोरी जो लगाते हैं, मेमोरी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह हो गया, सबका जो है दोस्तों इसका कनेक्शन इस आईसी से है दोस्तों, ठीक है, ये आईसी से। उसके बाद ये जो है दोस्तों, ये 8 लेग का जो है दोस्तों आईसी है दोस्तों, ये 8 ऑडियो आईसी है दोस्तों, ठीक है, मतलब साउंड जो देता है दोस्तों, तो ये आईसी की वजह से ही देता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी का नर्वस साउंड नहीं दे, ठीक है, सब चीज़ सही है, ठीक है, मैंने वॉल्यूम चेक कर लिया, ठीक है, वॉल्यूम को डायरेक्ट करके भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बज रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिए कि बज रहा है क्या नहीं, अगर बज रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बज रहा है, ठीक है, तो आपका इसमें जो है वोल्ट आना चाहिए, जैसे तार है ना दोस्तों, ये दो गो तार है दोस्तों साउंड का, ये दोनों साउंड का तार है दोस्तों, तो इसमें वोल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो आप आईसी में वोल्ट चेक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, लगभग 3.5 से 4 वोल्ट आएगा दोस्तों, ठीक है, आईसी में चेंज कर देख लीजिए दोस्तों, अगर आउटपुट वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आईसी को चेंज कीजिए, आराम से बजेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता देते दोस्तों, देखिए ये स्विच और ये स्विच में डिफर है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये किट में ही सोल्ड होता है, ये जो स्विच है दोस्तों, देखिए आप अच्छा देखिए दोस्तों, ये इधर सोल्ड नहीं है दोस्तों, ये किट इसी में सोल्ड है दोस्तों, ठीक है, किट में ही सोल्ड है, और ये जो स्विच है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका ये किट में सोल्ड है दोस्तों, ठीक है, तो लगेगा तो नहीं, ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर सेम रहता तो आराम से खोल के लगा देते, सेम नहीं है दोस्तों, तो इसमें करेंगे क्या दोस्तों, ये जो आपका ये जो है ना, जो मतलब स्विच को ऑन ऑफ घसकाते हैं दोस्तों, ये ठीक है प्लास्टिक का जो है दोस्तों, इसको जो है ना खोल के दोस्तों हम इसमें लगाने का कोशिश करेंगे, और लग ही जाएगा, क्योंकि हम मैंने देखा है दोस्तों, आराम से लग जाएगा, क्योंकि ये टूटा हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात और है दोस्तों, ठीक है, अगर आपके पास स्विच नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्विच टूट गया, तो घर में स्विच तो होगा नहीं, तो दोस्तों आप दो गो तार जो है दोस्तों, तार दो गो वायर आप निकाल सकते हैं, मतलब एक फर्स्ट
एक बीच में, ठीक है दोस्तों, सोल्ड कर दीजिएगा और उसी छेद दे के जो है दोस्तों आप निकाल सकते हैं तार। तो दोस्तों देखिए, आप ये दोनों में जो है दोस्तों, एक इसमें तार एक इसमें तार निकाल के, ठीक है, इसको छील लेना है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इसको सटाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, छील के तो फिर वो मतलब एक दूसरे में टच हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो वो फिर बजने लगेगा। अगर स्विच है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यानी तो आप मार्केट में तो बहुत सारा स्विच मिलता है दोस्तों, वो भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये भी मार्केट में स्विच मिलता है दोस्तों, ये तो तीन पोल वाला है दोस्तों, डबल पोल का भी आता है, तीन पोल मतलब कोई भी स्विच लगा सकते हैं, तीन पोल है तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। मतलब जैसे देखिए, मतलब एक तार मैंने बीच में जोड़ा, ठीक है दोस्तों, तो इसका बीच में लगा दिए, ठीक है, या टू पोल में होगा तो कहीं भी लगा सकते हैं, या एक ऊपर या नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जैसे इसमें बीच में लगा दिए दोस्तों, ठीक है, और एक तार मैंने जोड़ा, ठीक है, ये साइड में एक साइड में लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो एक बीच में लग गया दोस्तों, एक ऊपर में लग गया दोस्तों, तो यहाँ से आपका स्विच काम करेगा, ठीक है दोस्तों। या कोई उसके बाद कोई किट में जो है किसी जगह जो है दोस्तों फिट कर सकते हैं दोस्तों, काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चार्जिंग कनेक्टर का बात हुआ दोस्तों, ठीक है, तो चार्जिंग में जो है दोस्तों आपको मार्केट में तो दोस्तों ऐसे बहुत सारा उपलब्ध हो जाएगा, ऐसे मोबाइल का भी चार्जिंग पिन आप लगा सकते हैं दोस्तों। या नहीं तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो चार्जिंग है दोस्तों, ये जो है दोस्तों आप किसी भी किट में दोस्तों, मतलब यहाँ ही हल्का छेद करके, या नहीं तो इसी में हल्का छेद करके डाल के प्लस माइनस डाल दीजिएगा, तो फिर आराम से दोस्तों ये काम करेगा दोस्तों, ठीक है, और ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो हम स्विच लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो है दोस्तों, ये झुका हुआ था दोस्तों, ऐसे किया हुआ था, ठीक है, दबा हुआ था, इसको मैंने ऊपर किया है, ठीक है दोस्तों। आप जो है इसको दोस्तों, इसका सोल्डिंग को जो है ऊपर करेंगे दोस्तों, ठीक है, सोल्डिंग को हटाएंगे तो ये खुद निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था दोस्तों इसका सोल्डिंग दोस्तों, तो इसको हम मैंने हटा दिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ध्यान से थोड़ा देखिएगा दोस्तों, ये जो है दोस्तों, यही जो है एक दूसरे में टच करता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा स्विच को मैं निकालता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है इसको भी दोस्तों निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका ये निकालना है दोस्तों, ठीक है, ये निकालना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये दो, ये फर्स्ट एंड लास्ट जो है दोस्तों, ये और ये दोनों को दोस्तों सोल्डिंग करें, मतलब सटाएंगे दोस्तों तो निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने दोस्तों देखिए, मैंने ये निकाल लिया दोस्तों इससे, ठीक है दोस्तों, और इसमें लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ये रख के दोस्तों, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको जो है फिट कर देना है दोस्तों, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों, मैंने ये फिट कर दिया है दोस्तों, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अच्छा से एडजस्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि कुछ स्टेप दोस्तों मैं वीडियो पॉज कर देते हैं दोस्तों, इसीलिए कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप समझ लो यही काफ़ी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कर दिया दोस्तों, बस इसको अब हल्का सा झुका देते हैं दोस्तों, ताकि ये सपोर्ट रहे अच्छा से दोस्तों। मेरे पास मतलब इस तरह का वीडियो दोस्तों लाते रहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है, और इस तरह कोई भी ऐसा कोई दिक्कत हो दोस्तों, ठीक है, तो ज़रूर हमें कमेंट करें दोस्तों, जरूर जहाँ तक होगा हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये स्विच ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका चार्जिंग पिन भी चेंज करना है दोस्तों, ठीक है, इसका सारा कनेक्शन हम खोल देते हैं दोस्तों, ठीक है, और चार्जिंग पिन को अच्छा से उखाड़ के दोस्तों, ठीक है, आप चाहें तो चार्जिंग का जो आपको दिखाएं तो दोस्तों वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपके पास चार्जिंग पिन है दोस्तों तो खुद से वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका चार्जिंग पिन दोस्तों चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों
दूसरा चार्जिंग पिन जो है दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों इसको जो है दोस्तों हटा देना है। जब भी दोस्तों हीट दे ठीक है तो इधर उधर नहीं दे ठीक है दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट जगह दे दोस्तों ठीक है। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि दोस्तों जो भी अगल बगल का सामान है दोस्तों वो पिघल जाएगा, नहीं तो खुद से अगर नीचे सामान आएगा तो उखड़ के नीचे गिर जाएगा दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों ये जो दोस्तों उखड़ गया दोस्तों, अब इसके जगह आप कोई दूसरा पिन लगा सकते हैं या नहीं तो कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों पिन की जगह ठीक है। तार देखिए दोस्तों, अगर पिन नहीं है दोस्तों आप आपके पास तो दोस्तों तार भी निकाल सकते हैं दोस्तों, एक प्लस एक माइनस तार निकाल के दोस्तों आप कटा हुआ चार्जर से आप लगा दीजिएगा तो आपका चार्ज होगा दोस्तों ठीक है। तो वैसे दोस्तों खराब लगता है दोस्तों, तो पिन लगा देने के बाद ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा भी होता है अच्छा से दोस्तों। बहुत सारे मतलब भाइयों का कहना है दोस्तों कि ये जो पिन लगाते हैं दोस्तों उखड़ जाता है दोस्तों ठीक है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, देखिए उखड़ता क्यों है दोस्तों, ये दोनों में दोस्तों कि इधर से जो दोस्तों सोल्डिंग करने का जो है सही से मतलब घाट नहीं दिया हुआ दोस्तों ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए पिन है दोस्तों, पिन का इस जगह सोल्डिंग कर लेना है दोस्तों, अच्छा से सोल्डिंग पिला देना है दोस्तों। यहाँ पर सोल्डर तो है ही दोस्तों ठीक है, बस लगा के दोस्तों थोड़ा सा हॉट गन से दोस्तों हीट कर देना है, यानी तो सोल्डिंग आयरन से ही थोड़ा हीट करके रखना है दोस्तों। तो अंदर में जो है यहाँ का देखिए दोस्तों, यहाँ का इस जगह का और इसमें सड़ जाएगा दोस्तों, तो ये पूरा सड़ जाएगा दोस्तों। ये पूरा सड़ जाने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाता है दोस्तों, फिर आपका चार्जिंग पिन उखड़ेगा भी नहीं। तो दोस्तों चार्जिंग पिन मैंने लगा दिया है दोस्तों ठीक है, ठीक है दोस्तों, और बस इसका कनेक्शन करना है दोस्तों। दोस्तों आपका कनेक्शन जो है दोस्तों ये स्पीकर का कनेक्शन है ठीक है दोस्तों, तो स्पीकर का कनेक्शन दोस्तों दोस्तों स्पीकर कनेक्शन है दोस्तों ठीक है, और ये वाला दोस्तों जो है बैटरी का प्लस माइनस है ठीक है दोस्तों, बैटरी का ये प्लस हो गया, ये बैटरी का माइनस हो गया ठीक है दोस्तों, और ये आपका एलईडी का हो गया। तो एलईडी का दोस्तों ये दोस्तों प्लस है, ये माइनस है ठीक है दोस्तों, और इसमें सब कुछ तो रहा नहीं दोस्तों, स्पीकर तार टूट गया है। दोस्तों मैंने सारा कनेक्शन कर दिया है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने कनेक्शन तो कर दिया दोस्तों ठीक है, ऑन हो गया दोस्तों ठीक है। तो कनेक्ट हो भी गया दोस्तों ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। हम बहुत लड़ते हैं। देखिए दोस्तों ये बज रहा है दोस्तों, लड़ाई का असर कभी हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।